इंदौर को 3 बार स्वच्छता में पहला पुरस्कार मिला और इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। इस शहर को स्वच्छ रखने में जहां निगम के सफाई कर्मचारी व शहर की आवाम ने भरपूर योगदान दिया, वहीं नगर निगम के मुख्यालय में कार्यरत नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शहर को साफ करने की कवायदें तो कर रहे हैं, लेकिन मुख्यालय में गंदगी फैला रहे हैं। आम आदमी सड़क पर कचरा डाल दे या फिर सार्वजनिक स्थान पर थूक दे तो नगर निगम का स्वास्थ्य अमला स्पॉट फाइन कर अर्थदंड वसूलता है। इस तरह की कार्यवाही से आम लोगों में खौफ बना हुआ है और वे कोशिश करते हैं कि वे कचरा नियत स्थान पर ही डालें और वे गंदगी न फैलाएं। इंदौर शहर निगम की सफाई कर्मचारी शहरवासियों के सहयोग से स्वच्छता में नंबर 1 पर बना हुआ है। शहर को स्वच्छ रखने की कवायदें निगम मुख्यालय से ही की जाती है और यहाँ पर आला अधिकारियों के साथ कई कर्मचारी कार्यरत हैं। जब निगम मुख्यालय की दीवार पर गलियारों पर नजर डाली तो यहाँ की स्थिति सामने आ गई। मुख्यालय की एक भी दीवार या एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पर पान गुटखे के निशान न हो। दीवारें पान गुटखे की पिटकारियों से रंगी हुई है, जगह जगह कचरा जमा है। उन्हें शहर में झाड़ू लगवाने वाला निगम मुख्यालय स्वयं के परिसर को साफ नहीं रख पा रहा है। आम लोगों पर तो नगर निगम फौरन कार्यवाही कर देता है। यदि किसी के द्वारा नियत स्थान पर कचरा नहीं डाला जाता है और सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति पीकदान के अलावा अन्य स्थान पर थूका हुआ दिखता है या गंदगी फैलाया हुआ पाया जाता है तो उस पर स्पॉट फाइन करते हुए मौके पर ही अर्थदंड वसूल लिया जाता है। यह सब निगम के अधिकारियों को नजर आता है, लेकिन निगम मुख्यालय में गंदगी फैला रहे अधिकारी कर्मचारियों की यह करतूत आला अधिकारियों को नजर नहीं आ रही। निगम मुख्यालय में कई स्थानों पर कैमरे भी लगे हैं, इसके बावजूद भी गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में सिटी इंजीनियर NS तोमर से चर्चा की गई तो पहले उन्होंने यह कहा कि मुख्यालय में नवनिर्माण का कार्य चल रहा है और बारिश का मौसम है जिसके चलते गंदगी हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि मुख्यालय को स्वच्छ रखने के लिए हर 2 महीने में पुताई करवाई जाती है। भविष्य में जो अधिकारी कर्मचारी गंदगी करता पाया गया तो उसे पर स्पॉट फाइन किया जाएगा। जो निगम के मुख्यालय के लिए आयुक्त महोदय और महापौर महोदय ने समय समय ये कर रखा है कि जो भी जितने उस डिपार्टमेंट के HOD हैं वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। इसके तहत Zone No. 3 के बायस जो हैं उनसे हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ पान की पीक वगैरह थूकी थी इन पे एक बार पेंटिंग कराई थी 2 महीने पहले और जगह जगह हमने ये लगाया है कि अगर आप कहीं थूकते हुए पाए गए तो आप पे 500 रुपये दंड किया जाएगा। फिर भी आपने जो अभी मुख्य पॉइंट बताए हैं उन मुख्य पॉइंटों पे फिर से अभी Zone 3 को बोला गया है और संबंधित Zone 3 के CSI को भी बताया गया है कि मुख्यालय में राउंड लगा के जहाँ गंदगी पड़ी है उसको तुरंत, चूँकि पूरा इंदौर स्वच्छ है तो हमारा ये जो मुख्यालय है ये भी स्वच्छ रहना चाहिए। कितने ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक्चुअली हम हर 2 महीने में इसकी पुताई करवा रहे और करवा रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं कि अब जो भी कुछ गंदगी करेगा उस पर स्पॉट फाइन करवाएंगे संबंधित CSI से।